explain living things and non-living things. We know that living things have life in them. They grow. They need food and water. ठीक है? Living things जो है वो grow करती हैं और उन्हें भोजन एवं पानी की आवश्यकता होती है. जैसे living things कौन कौन से हुए? Plant, animal and human beings. Living things कौन हुए? Plant, human being and animal. Okay? But non-living things do not have life in them. They do not grow, so they do not need food and water. Non-living things जो है वो grow नहीं करते हैं, उन्हें भोजन एवं पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें life नहीं होती. Non-living things कौन कौन से हुए? Mountain, sun, house, moon and stars and clouds. They all are non-living things. If you not have seen the video, then please see it first. In this video, I am going to explain natural things and man-made things. The first video mein natural things or man-made things ke baare mein aap logo ko batane wale hain. Okay? So, natural things means the things which are present in the nature. The things which are present in nature. Everything, जो भी चीजें नेचर में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. दे आर बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नेचुरल थिंग्स में जो है उनमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं. तो लिविंग थिंग्स आप लोगों को पता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी पता है. तो नेचुरल थिंग्स में वे सारी चीज़ें आती हैं जो लिविंग जो नेचर में हो और जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में. ठीक है? नाउ लुक एट दिस. दिस इज ट्री. क्या ये ट्री मैंने बनाई है? नहीं. क्या ये ट्री आपने बनाई है? नहीं. ये ट्री जो है वो नेचर में पहले से ही है. ट्री अपने आप ग्रो करती है तो इसलिए ये क्या होगी? नेचुरल थिंग. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. ये माउंटेन है. क्या ये माउंटेन आपने बनाया? नहीं. क्या ये सन मून एंड स्टार्स आप लोगों ने बनाया या मनुष्य ने बनाया? नो, इन्हें हमने नहीं बनाया. दे ऑकर्स नेचुरली इन द नेचर. इसलिए ये सभी नेचुरल थिंग्स हो जाएंगे. ये सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल थिंग्स हो जाएंगे. माउंटेन इज अ नेचुरल थिंग, सन इज अ नेचुरल थिंग, मून एंड स्टार्स आर ऑल्सो नेचुरल थिंग. ओके, सो व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स मीन्स नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर. नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर एंड नॉट मेड बाय मैन. नेचुरल थिंग्स जो है वो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते. दे कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. दे कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. नाउ लेट्स अस अंडरस्टैंड मैन-मेड थिंग्स. मैन-मेड थिंग्स, लुक एट दिस पिक्चर. डू यू फाइंड टेबल इन नेचर? डू यू फाइंड टेबल इन नेचर? क्या आपको टेबल जो है वो नेचर में मिलता है? नहीं. यदि आपको कपड़ों की आवश्यकता हो, यदि आपको कपड़ों की जरूरत हो, तो आप क्या बाजार से खरीदते हैं कि पेड़ से जाके आम की तरह कपड़ों को तोड़ लेते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? बाजार से जाके कपड़ों को खरीदते हैं, है ना? उसी तरह हमें रहने के लिए घर नेचर ने ही नहीं दिया. घर जो है मनुष्य स्वयं बनाता है, इसलिए घर क्या हुआ? मैन-मेड थिंग हो गई. टॉय कार ये सारी चीजें जो है वो मैन-मेड थिंग हो गई. ओके, तो वो चीजें जो नेचर में नहीं होती और जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती उन्हें हम मैन-मेड थिंग्स कहते हैं. चलिए हम नेचुरल थिंग्स और मैन-मेड थिंग्स को और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट. ओके,
Now look at this chart. यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सी चीजें मैनमेड थिंग है और कौन सी नेचुरल थिंग है। दिस इज ग्लेशियर। इज दिस मैनमेड थिंग और नेचुरल थिंग? दिस इज नेचुरल थिंग। दिस इज नेचुरल थिंग बिकॉज दिस इज नॉट मेड बाय मैन। दिस इज चॉय। इज दिस मैनमेड थिंग और नेचुरल थिंग? दिस इज मैनमेड थिंग बिकॉज दिस इज मेड बाय मैन। दिस इज ह्यूमन बींग। इज दिस नेचुरल थिंग और मैनमेड थिंग? ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट मेड बाय मैन। ओके, लुक एट दिस। वाओ, यम्मी, ये तो कपकेक है। क्या आप खाते हैं कपकेक? बिल्कुल, मैं तो खाती हूँ भाई। इज दिस नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग? कप इज मैन मेड थिंग बिकॉज दिस इज मेड बाय मैन। लुक एट दिस साइकिल, बाइसिकल, इंजीनियर साइकिल कहते हैं, है ना? इज दिस नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग? साइकिल इज अ मैन मेड थिंग बिकॉज दिस इज मेड बाय मैन। लुक एट दिस। दिस इज नेचुरल थिंग और मैन मेड? ट्री इज नेचुरल थिंग बिकॉज दिस इज नॉट मेड बाय मैन। लुक एट दिस। दिस इज वायलिन। इज दिस मैन मेड थिंग और नेचुरल थिंग? वायलिन इज अ मैन मेड थिंग बिकॉज दिस इज मेड बाय मैन। लुक एट दिस। दिस इज कैट। कैट इज अ नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग? कैट इज नेचुरल थिंग बिकॉज कैट इज प्रेजेंट इन नेचर एंड कैट इज नॉट मेड बाय मैन। ओके ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।